बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी माँ ने एक असल कुकड़ पाल रखा था। अम्मा को उस मुर्गे से खुसूसी मोहब्बत थी। अम्मा अपनी मुट्ठी भर के मुर्गे की चोंच के ऐन नीचे रख दिया करती थी और कुकड़ चोंच चुका था और झटपट 2 मिनट में पेट भर के मस्तियों में लग जाता। मैं रोज़ ये माजरा देखता और सोचता कि ये कुकड़ कितना खुश नसीब है, कितने आराम से बिना मेहनत किए इसको अम्मा दाने डाल देती है। एक रोज़ मैं सहन में बैठा पढ़ रहा था, हसबे मामूल अम्मा आई और दानों की बुक भरी के मुर्गे को रिसते। अम्मा ने जैसे ही मुट्ठी आगे की, मुर्गे ने अम्मा के हाथ पर चोंच मार दी। अम्मा ने तकलीफ से हाथ को झटका दिया तो दाने पूरे सहन में बिखर गए। अम्मा हाथ सहलाती अंदर चली गई और मुर्गा, जो एक जगह खड़ा होकर आराम से पेट भरा करता था, अब वो पूरे सहन में भागता फिर रहा था। कभी दाएं जाता, कभी बाएं, कभी शुमाल, कभी जुनूब। सारा दिन मुर्गा भाग भाग के दाने चुगता रहा, थक भी गया और उसका पेट भी नहीं भरा। अब्बा ने कुछ डॉक्टर की बात पूछा, बताओ मुर्गे के साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने फट से जवाब दिया, ना मुर्गा अम्मा के हाथ पर ठोंग मारता, ना जलील होता। बाबा बोला, बिल्कुल ठीक। इफ्तिखार इतनी याद रखना, अगर अल्लाह के बंदों को हसद, गुमान, तकब्बुर, तजस्सुस, हिब्बत और एहसास बरतने की ठोंगे मारोगे तो अल्लाह तुम्हारा रिस्क मुश्किल कर देगा और इस असल कुकड़ की तरह मारे मारे फिरोगे। तूने अल्लाह के बंदों को ठोंगे मारना छोड़ी, रब ने तेरा रिस्क आसान कर दिया। बाबा अजीब सी तरंग में बोला, पैसा, इज्जत, शोहरत, आसूदगी हासिल करने और दुखों से निजात का आसान रास्ता सुन ले। अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करने वाला, उनकी तारीफ करने वाला, उनसे मुस्कुराकर बात करने वाला और दूसरों को माफ़ करने वाला कभी मुफलिस नहीं रहता। आजमा कर देख लो। अब बंदों की मोहब्बत के साथ साथ शुक्र के आंसू भी अपनी मंजिल में शामिल कर लो, अमर हो जाओगे। ये कहकर बाबा दीन मोहम्मद तेजी से मेन गेट से बाहर निकल गया और मैं सर झुकाए ज़ारो क़तार रो रहा था और दिल ही दिल में रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा कर रहा था कि बाबा दीन मोहम्मद ने मुझे कामयाबी का रास्ता बता दिया। अल्लाह हमें आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ बख्शे। आमीन। ऐसी ही मुफीद मालूमात के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को फौरी तौर पर मिलती रहे। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों और अहबाब के साथ ज़रूर शेयर करें। आने वाली नई वीडियो तक हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।